इंस्टाग्राम वालों ने मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया। रीजन बहुत ज्यादा कमाल का है इंस्टाग्राम का। So, hey what's up guys, कैसे आप सब? मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस अभी फिलहाल हम राजस्थान के बीच में हैं और आज थार डेजर्ट जा रहे हैं। वैसे ये व्लॉग मैंने घर से स्टार्ट किया था, अभी जस्ट एडिटिंग कंप्लीट होने वाली है। अभी मेरे को ये पता चल रहा है कि जो मेरा शुरुआत का इंट्रोडक्शन था ना वो गायब है, वो वीडियो है ही नहीं। तो अभी इंट्रो दे रहा हूँ मैं, तुम व्लॉग देखो पूरा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दिल्ली और मानस को भी पिकअप करेंगे वहां से। परसों रिया ने फोन तोड़ दिया था पापा का, तो गाइस पापा का फोन भी दिएंगे सर्विस सेंटर पे ठीक होने के लिए। तो गाइस फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना, आज खाने में दाल चावल। तो अभी खाना खाते हैं और खाना खा के पापा मैं और रिया चलते हैं दिल्ली। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस मानस भी मिल गया हमें और भाई जा रहा है, हाँ शाम को निकलेंगे। गाइज मानस तो आ गया है, अभी जा रहे हैं सीधा फोन सर्विस सेंटर में देने और फिर घर पे चलेंगे और मानस को ड्यूक से मिलवाएंगे। तो गाइज ये देखते हैं भाई ड्यूक मानस को देख के क्या रिएक्ट करेगा, मानस को ना पूरा छुपा देंगे। गाइज दर्शन भैया को मैंने फोन दे दिया है, अभी पापा का फोन ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ओ भाई बंदर, ओ भाई बंदर को दूर। ये देखो गाइज कैसे बंदर को पकड़ रखा है इसने। निलाया तो कर यार, तूने निलाया भी नहीं है। खोल दे इसको, अगर नहीं निला रहा तो बुड़का तो नहीं भर लेगा। क्या नाम है? ओ भाई पकड़ रहा है ये तो। ओ भाई काटने वाला ये। ओ भाई दूर रहे यार, तो दूर रहे। ओ भाई हेलो कर ले। ओए ओए बुड़का भर रहा है, अब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, बुड़का भर लेगा। काट लिया आपको है ना, भर लिया बुड़का। पापा के पैर पे चिपट गया बुड़का भर रहा था भाई साहब। आपकी वीडियो देखता हूं। तो गाइस पापा को घर पे उतार रहे हैं, मानस और मैं जा रहे हैं ड्यूक के पास चाचा के घर पे। अभी फिलहाल 4:56 हो गया है, दिल्ली गए थे ना आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। कालू मोगली आ गया मेरे हाथ ही, कालू मोगली जब भी मैं आता हूँ ना ये पहले भाग आता है। हाँ ड्यूक, गाइस ड्यूक भी आ गया है, अब इसको मानस से मिलवाएंगे। ओ भाई गेट खुड़का रहा है भाई ड्यूक इसके आते ही। क्या हो गया ड्यूक? मानस अपना मुंह वगैरह ढक ले सारी चीज, ठीक है फिर देखते हैं ड्यूक तेरे को। ओ भाई, ओ भाई गाइस ड्यूक कैसे हो गया मानस के आते ही। कालू मोगली ड्यूक पाड़ लेगा मानस को। बचपन से इसने पाला है, कुत्तों में यही तो खासियत होती है यार। गाइस मानस को ना ये वाला कपड़ा पहना देंगे मुंह पे। गाइस वैसे भाई एक सीन हुआ था, एक बंदे के पास पिटबुल था और उसके भाई ने ना ऐसा ही वो कपड़ा पहन रखा था मुंह पे, अकेला रात में प्लॉट में चला गया था, पिटबुल ने भाई उसको मार दिया था। ये देखो भाई, ओ भाई ड्यूक आ गया। ओ भाई पहचान लिया ड्यूक ने मानस को। ओ भाई कैसे चिपट रहा भाई साहब। ओ भाई गाइस फाइनली भाई मानस और ड्यूक मिल गए, फाइनली पहचान लिया है। अब इसको इसका कोई फायदा नहीं है, इसको हटा देते हैं। कैसा लग रहा है ड्यूक से मिलके बहुत दिनों बाद? काटा ही नहीं है तो अच्छा ही लग रहा है भाई, इतने दिनों बाद मिला हूं, काफी दिन हो गए मिले हुए। अभी आशु और मानस के बीच में ना थोड़ी सी झड़प करवाते हैं और ये देखता भाई ड्यूक किसका सपोर्ट करेगा। चल आप छोड़ना मत, ओए दोनों चिल्लाओ। ओ भाई, ओ भाई किसको बचाएगा ये? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। इन दोनों की लड़ाई में ना भाई ड्यूक किसी को अटैक नहीं कर रहा, बस लड़ाई छुड़वा रहा है। ओ भाई, गाइस ड्यूक के कान में कोई भी फूंक मारता है ना ड्यूक उसको पाड़ने भागता है। मार के देखियो। गाइस मानस को भी काट लेते हैं एक बार, ड्यूक ने फूंक मार दी इसके कान में। मैं एकदम से मुंह पीछे करा तो ये सब पकड़ लिया। पैंथर को दिखाओ, पैंथर को। ओ भाई लड़ाई हो जाएगी। ओए ओए ओए, ओ भाई साहब ये अटैक करता भाई सब पे, दिखने में बच्चा है पर ड्यूक को सामने लाते हैं ना तो ड्यूक के बराबर है। बहुत बढ़िया है भाई। ओ भाई अटैक कर रहा है बार बार कालू मोगली पे, ओ बच्चे भाग गए। ओ छोड़ मत दियो इसको। गाइस अभी फिलहाल 6:17 हो रहे हैं और मानस आते ही नहाने चला गया। अभी घर में मस्त वाली पैकिंग चल रही है, मम्मी पापा को छोड़ के सब जा रहे हैं। चीनू ने बम पटाखे भी ले लिए, हार्ट डेजर्ट में ना मीटिंग में बम फोड़ेगा ये। अभी मैं जाऊंगा घर पे, मेरे को और रिया को भी पैकिंग करनी है। गाइस फिलहाल मैं कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। गाइस फाइनली मैंने शॉपिंग तो कर ली है। जो 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 जो
तो गाइस फिलहाल हम आ गए हैं घर पे। और गाइस ये देखो भाई घर पे आते ही जिम मारने लग गया। मानस ने कल रात से खाना नहीं खाया, 3 बजे से ट्रेन में बैठा है। अभी खाना खाइयो गाइस। मम्मी खाना ले आई है आज भाई, मस्त खाना बनाया मम्मी ने, बाहर से मंगाया। हाँ। आज खाने में पालक पनीर की सब्जी, दाल मखनी, स्टफ नान, प्याज चटनी। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। जो क्या है, क्या हो रहा है, क्यों गाइस मेरे पे घुर्रा रहा है ये? मैंने जो की एक चीज नोटिस करी है, जब ये मेरे साथ अकेला होता है ना रूम में, तब मेरे को बिल्कुल भी नहीं पाड़ता ये। जब इसके आसपास सब होते हैं ना, जैसे मम्मी पापा रिया, तब पाड़ता है मेरे को। जो गाइस अभी 9 बजे से ज्यादा टाइम हो गया है, चाचा का कॉल आया, चाचा की सारी पैकिंग हो गई है। अभी फिलहाल मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ। चाचा के घर पे जा रहे हैं और वहाँ से सीधा जैसलमेर निकलेंगे थार डेजर्ट के लिए। चलो भाई सारे रेडी हो गए, एक हफ्ते बाद आएंगे। जो बाय। जो तेरी याद बताएगी हमें। टाइम से खाना, टाइम से नाला, ठीक है निकू? ठीक है। ये देखो गाइस अभी से रोने लग गया। कल मोगली खाना खाया तूने? पैकिंग होगी सारी गाइस, सारी पैकिंग होगी यार। ये तो कितना खुश हो रखा है गाइस। ये थार डेजर्ट जाने के लिए खुश नहीं है, ये इसलिए खुश है क्योंकि इसकी एक हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी अब। एक नंबर की बात कही, सही पकड़े हैं गाइस। अभी पैराशूट भी रख रहे हैं गाड़ी में, तेरा पैराशूट। ओ भाई, ओ ये क्या किया, क्या वो अलग की क्या भाई, इतना जोर की पंप फोड़ दिया, क्या बहरा हो गया क्या भाई? सोनू यार ऐसे मत करा करो यार, चोट लग जाएगी। उसका बदला लेना था, प्रैंक उसने किया था पहले। उसने ये कह रहा कि तूने भी किया था? क्या ये कह रहा है, तूने भी किया था? मैंने नहीं किया भाई, इसने किया है भाई। ये तो बहरा ही हो गया भाई, डॉक्टर के पास जाना है। थोड़ी तेज बोल भाई। डॉक्टर के पास? किसके पास? डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ डॉक्टर के लिए चल भाई, सुन नहीं रहा कुछ भी। चिल्ला मत भाई, मैं आराम से बोल रहा हूँ। इसकी टी शर्ट में छेद हो गया आशु की। नहीं लेके आएंगे आके? नहीं लेके आएंगे आके? क्या लेके आएंगे? मजाक तो मत कर भाई, बच्चा बोल सही में नहीं सुन रहा यार, झूठ बोल रहा है। हम जब थार डेजर्ट से आएंगे ना तो नहीं लेके आएंगे। ठीक है 500 रुपए तो 500 रुपए दे देना यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, सब सुन रहा है, झूठ बोल रहा है। ड्यूक 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 ड्यूक। तो गाइस फाइनली हम निकल पड़े हैं थार डेजर्ट के लिए। कम से कम 16-17 घंटे लगेंगे जाने में, 13.5 घंटे का रास्ता तो मैप पे ही दिखा रहा है। ब्रेक वगैरह भी लेंगे, 16-17 घंटे लग जाएंगे जाने में, बहुत लंबी ट्रिप हो जाएगी ये। पैराशूट वगैरह सब कुछ रख लिया हमने गाइस, फिलहाल हम रास्ते में हैं और अभी 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। और गाइस मेरे को तुमसे भाई बहुत जरूरी बात करनी थी अपनी पूरी गैंग से। ये सब ना गाइस मेरे साथ 2 दिनों से हो रहा है, इंस्टाग्राम वालों ने मेरा अकाउंट ना डिसेबल कर दिया, निक्कू व्लॉग्स वाला। और गाइस रीजन बहुत ज्यादा कमाल का है इंस्टाग्राम का, ये देखो, फॉर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। मतलब ये रीजन दे रहे हैं कि मैं कोई और हूँ। मैं रियल वाला निक्कू व्लॉग्स नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी साइड से कह दिया कि भाई तुम कोई और हो, उठा के इंस्टाग्राम डिसेबल कर दिया। गाइस मैंने मेल भी किए बहुत सारे इनको, मेरी फोटोज वगैरह मंगा लो, मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लो, मेरे वेरीफाई कर लो, पढ़ी नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। रिप्लाई ये दे रहे हैं, हमने डिसेबल कर दिया क्योंकि तुमने वायलेशन किया है, तुम कोई और हो। मतलब यही लिख रहे हैं रिप्लाई में भी। मेरे नाम से ना काफी सारे लोगों ने फेक अकाउंट बना रखे हैं, जो मेरा मेन अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया इंस्टाग्राम ने। बाकी जो फेक बना रखे हैं उनके ऐसे के ऐसे ही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इंस्टाग्राम के एम्प्लॉइज काम करते भी है नहीं करते? जो क्रिएटर सिर्फ इंस्टाग्राम पे है ना, जो रील्स वगैरह बनाते हैं, जिनका सारा बिजनेस वगैरह इंस्टाग्राम पे है, उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स का रीजन डाल दो और डिसेबल कर दो। गाइस किसी ने सोची भी नहीं होगी कि भाई ऐसा भी हो सकता है। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई मेरे साथ हो गया, कितने सारे लोगों के साथ होता होगा, उनकी सुनी भी नहीं जाती होगी। किसी का अकाउंट डिसेबल कर दो और कुछ भी रीजन लिख दो, उसको प्रूव करने का मौका ही मत दो, बहुत बड़ी गड़बड़ है। बाकी गाइस तुम में से किसी को भी कोई ऑप्शन पता हो ना और कुछ क्या कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बार बता देना रिया की आईडी पे। अभी फिलहाल मैं रिया की आईडी यूज कर रहा हूँ। गाइस रिया गेम इस नाम से है, जिसको भी पता हो ना इस पे मैसेज कर लेना। इससे बढ़िया ना भाई यूट्यूब है अपना, सामने वाले को भी चांस देता है, खुद को भी प्रूव करो। अभी फिलहाल 3 बज गए हैं और सभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, मैं पी रहा हूँ कॉफी। गाइस ये देखो भाई चिकी के लाइट वाले जूते कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बाकी गाइस साथ साथ मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, लैपटॉप चार्ज लगा रखा है ढाबे पे। वैसे अभी भी 10 घंटे का रास्ता बाकी है, राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा ठंड है, दिन में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। अभी ना पहाड़ों जैसी ठंड है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पहाड़ों पे आ गए और आसपास बर्फ पड़ रही है। हम सब चाय कॉफी पी रहे थे और गाइस बाहर चप्पल निकाल के आराम से मस्त अंदर सो रहे हैं। होटल वाले स्वाद चाहिए इसको, गुदगुदी करो गुदगुदी करो। इसके सोने भी नहीं देते और तू दूसरों को बैठने भी नहीं देता।
तो गाइस रात भर चलने के बाद अभी सुबह सुबह हमने ब्रेक लिया है। अभी फिलहाल सुबह के 10 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। अभी जस्ट मैंने वीडियो कंप्लीट करी है। बाकी गाइस यहाँ पे ना भाई इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, अपलोड होने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो अभी लगा देता हूँ अपलोड और फिर 1 बजे तक वीडियो आ जाएगी आराम से। और गाइस सिर्फ 6 घंटे बाकी रह गए थार डेजर्ट में, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। गाइस बोला भाई इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, गाइस ये ना भाई बम फोड़ने का वेट कर रहा है। गाइस ये मिट्टी में बम दबा के फोड़ेगा। गाइस वहाँ पे ना भाई जीप सफारी करेंगे, अपनी स्कॉर्पियो एन से ऑफरोडिंग करेंगे और पैराशूट भी उड़ाएंगे वहाँ पे। अभी सभी रेस्ट कर रहे हैं, चाचा ने गाड़ी चलाई है रात भर। अभी फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।